हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अफगानी पनीर बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो खाने में काफ़ी अधिक टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगी हमारी सब्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग इसको बनाना, जिसके लिए मैंने ये 3 से 4 प्याज ली है, लहसुन की कलियाँ ली है मैंने ये 3-4, हमने हरी मिर्च ली है और काजू लिए हैं। लहसुन और हरी मिर्च आप लोग और भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इन सबको कुक करेंगे, जिसके अंदर मैंने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है और इसको हम पकाएंगे। आधा ग्लास पानी डाल के हम लोग इसे पकाएंगे। गैस की फ्लेम हम लोग हाई रखेंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए। ये सब्जी खाने में काफ़ी अधिक टेस्टी लगेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पनीर लिया है, पनीर को मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले मिक्स करेंगे, जिसमें मैं हरा धनिया ले रही हूँ बारीक कटा हुआ। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना आप लोग। 1/2 चम्मच काली मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लहसुन आप लोग स्किप भी कर सकते हैं अगर खाते नहीं है तो। और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग, हल्के हल्के हाथों से हम लोग इसे मिक्स करेंगे। अब हम हमारे पनीर को फ्राई करेंगे। 1 चम्मच हम लोग बटर लेंगे, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं इसे फ्राई करने के लिए। गैस की फ्लेम हम लोग मीडियम रख के इसे फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम ठंडा करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 3 से 4 में चम्मच दही भी ले रही हूँ, दही मैंने फ्रेश लिया है इसको बनाने के लिए। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पनीर हमारा फ्राई हो चुका है, गैस की फ्लेम मीडियम रख के हमने इसे फ्राई किया है। ये देखिए पेस्ट हमारा बन के एकदम तैयार है। अब हम 1 चम्मच कढ़ाई के अंदर तेज़पत्ता डालेंगे और हमारी जो ग्रेवी है वो इसके अंदर डाल देंगे। 1/2 चम्मच काली मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और 1/2 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। गैस की फ्लेम हम लोग मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही हमारी सब्जी को हम लोग कुक करेंगे। ये मैं अमूल की फ्रेश क्रीम ले रही हूँ, इसकी जगह आप लोग मलाई भी डाल सकते हैं सब्जी के अंदर। और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए हम लोग मीडियम फ्लेम पे हमारी सब्जी को कुक करेंगे। देखिए ग्रेवी हमारी बन के एकदम तैयार है। अब हम इसके अंदर हमारे फ्राई किए हुए पनीर को डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके एकदम तैयार है। बारीक कटा हुआ धनिया के साथ हम लोग इसे गार्निश करेंगे। अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी अफगानी पनीर की सब्जी बनके एकदम तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में बताना आपको अफगानी पनीर की सब्ज़ी कैसी लगी। आप इसे बटर नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।